यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़िया इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने व न सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैं अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन के उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे और उनके संग के पहियों का शब्द और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पड़ी। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी, और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे कि जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखू, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब
मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहां भी दिखाई पड़ता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रह और हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो बलवाई घराने के ही है।